मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ पर नागरिकता संशोधन कानून जो केंद्र सरकार ने कल लागू किया है उसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद करने के लिए आए हैं। ओके, सेलिब्रेशन पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, उसके तहत हम भी यहाँ पर जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि 2019 के मैनिफेस्टो में भाजपा के नागरिकता संशोधन कानून पास करने के लिए रखा गया था, 2019 में इसको पारित किया गया लेकिन होल्ड कर दिया गया, लेकिन अब जो है इसकी नोटिफिकेशन निकाल दी गई है और इसको लागू जो है पूरे देश के अंदर कर दिया कल। इसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जिसके अंदर पहले 11 साल का समय था नागरिकता के लिए, अब कम करके 6 वर्ष कर दिया गया। इसमें खास बात यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जिसके अंदर अल्पसंख्यक समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे थे, जो प्रताड़ना को छोड़कर वहां जो प्रताड़ित किया जाता था वो वहां से भागकर भारत देश के अंदर आए। 31 सितंबर 2014 से पहले जितने भी लोग आए उन सभी को जो है वो भारत देश जो है वो नागरिकता देगा। कम से कम वहां जो अल्पसंख्यक है उनको बचाने का काम जो है वो केंद्र सरकार ने इस नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से किया है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का और आग्रह करते हैं कि जो बांग्लादेशी उसके साथ ही ये बर्मी म्यांमार के लोग जितने भी अवैध घुसपैठिए भारत के अंदर हैं इनको निकालने के लिए भी जो रास्ता जो है वो निकाला जाए और इनको जल्द से जल्द भारत से बाहर निकाला जाए।